खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, किसानों के लिए राहत की खबर जल्द आ सकती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मोदी सरकार एक अहम बदलाव करने पर विचार कर रही है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार योजना को वैकल्पिक बनाने पर विचार कर रही है। मतलब ये कि अगर कोई किसान फसल बीमा नहीं करवाना चाहे तो उसके पास ऐसा करने का विकल्प होगा। अभी तक के नियम के मुताबिक अगर कोई किसान क्रेडिट कार्ड के तहत अपने फसलों के लिए लोन लेता है तो उसके साथ साथ उसे फसलों का बीमा करवाना अनिवार्य होता था। इस नियम को लेकर किसानों की ये शिकायत थी कि बैंक और बीमा कंपनियां बिना बताए बीमा की रकम वसूल कर लेती हैं। हमारे सहयोगी प्रशांत हमसे जुड़ रहे हैं। प्रशांत, इस खबर को हम समझना चाहेंगे, इसके मायने भी समझना चाहेंगे और साथ ही आप हमें ये भी बताइए कि किसानों के लिए ये कैसे फायदेमंद होगी। नहीं देखिए शोभना, आपने जितनी बातें बताई उसमें मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि जब से ये फसल बीमा योजना शुरू की गई है एक शिकायत हमेशा रही है, अभी भी कई किसानों ने शिकायत की थी कि जब भी वो किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं तो ऑटोमेटिक उनका बीमा करवा दिया जाता है, भले ही वो वैसे इलाके में रहते हो जहाँ कभी इतिहास नहीं रहा हो फसल की बर्बादी का। फसल बीमा योजना मूलतः इसलिए लाई गई थी कि किसानों की फसल अगर बर्बाद होती है किसी भी प्राकृतिक कारण से या किसी और कारण से तो उनको एक मुआवजा मिल सके, उनको उसकी फसल का कम से कम दाम मिल सके। लेकिन जिन इलाकों में ऐसा इतिहास नहीं रहा है उन इलाकों के किसान ये शिकायत करते थे कि उनसे जब उनकी फसल बर्बादी नहीं होती है, इतिहास ही ऐसा नहीं रहा है तो कम से कम उन्हें विकल्प दिया जाए कि वो ऐसा करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन अभी जो नियम है जैसा आपने बताया कि क्रेडिट कार्ड से लोन लेने पर अनिवार्य होता है कि फसल का बीमा आपको करवाना होगा और बीमे की रकम जो है वो किसानों को अदा करनी पड़ती है। खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और कई जो ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं कम होती है वहां के किसान ऐसी शिकायत करते थे। तो अब मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि सरकार इस पर विचार कर रही है। कल मंत्री समूह की एक बैठक हुई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, उसमें इस पर विचार किया गया है और लगभग ये तय हो गया है कि अब किसानों के सामने ये विकल्प दिया जाएगा कि वो किसान फसल बीमा योजना के तहत बीमा अपनी फसल का करवाना चाहते हैं या नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत हमें ये समझाने के लिए कि किसानों के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। किसानों की ये शिकायत थी कि जब भी वो किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं तो फसल बीमा करवाना अनिवार्य होता है, अब सरकार उनकी समस्याओं पर विचार कर रही है।